अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कौमी बचत स्कीम की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आ गई। नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि एंड आने वाले दिनों में नेशनल सेविंग स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। किस वजूहात पर नेशनल सेविंग स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है, उसकी तमाम तर तफसीलात से आपको इसी वीडियो में आगाह करते हैं और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया की जानिब से जो बड़ा बयान सामने आया उस पर नेशनल सेविंग स्कीम के डायरेक्टर जनरल का क्या कहना है। तमाम तर सूरत हाल से आपको इसी वीडियो में आगाह करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल सच सवेरा को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। जी बिल्कुल नाजरीन, नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र अब नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया अपने सारफीन को मजीद मुनाफे में इजाफे की शरह नहीं दे सकती। नेशनल सेविंग स्कीम इंतजामिया का कहना है कि नेशनल सेविंग स्कीम अब मजीद नहीं चल सकती।